तो हेलो गाइस, मेरे पास आज जो तीन कंप्रेसर हैं ये डेटर के कंप्रेसर हैं, और इन तीनों में कंप्रेसर में अलग अलग प्रॉब्लम है। तो इनको कैसे चेक करते हैं और किस तरीके से चेक करते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखते रहिए मेरे चैनल को, बॉबी इलेक्ट्रिशियन चैनल का नाम है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप, ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर सकते हो, ठीक है। तो चेक चलो फिर करते हैं ये शुरू वाला करते हैं। कंप्रेसर, ये है सैमसंग कंपनी का, और इसमें जो है ना, इसकी रबड़ नहीं है और रनिंग स्टार्टिंग कॉमन कहाँ कैसे लगेगा पता नहीं है, ठीक है। तो इसका हम पहले पता लगाएंगे कि कौन सा स्टार्टिंग है, कौन सा रनिंग है, कौन सा कॉमन है, ठीक है। बाकी अभी मैं लगाने के लिए आपको ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है, समझा देता हूँ। अब इसमें आपको कंटिन्यूटी पे लाके हमने कर दिया कंटिन्यूटी पे, ओके। तो ये आपका देखो पी की आवाज़ आ रही है, ओके। तो हमको इसकी वैल्यू चेक करनी है, ठीक है। इसमें वैल्यू जो आएगी हाई लो मीडियम, आपको ये पता लगाना है कि हाई लो मीडियम कौन सा है, ठीक है। तो अब मैं लगा के दिखाता हूँ आपको, जैसे कि मैं ये तीन है, तीन में से पता नहीं है तो चेक करना है, तो चेक करते हैं पहले ये वाला। ये आ रहा है 2.9, 2.8 आ रहा है, ओके, 2.8 है ये वाला, और ये वाला 4.5, ये वाला 4.5 है, ओके, और ये वाला 6.8। तो 6.8 हो गया हाई, 4.5 हो गया, 4.7 हो गया आपका मीडियम, ये 2.9 था, ये 2.9 है, तो ये हो गया आपका लो। तो ठीक है, इस तो आपको ये याद रखना है कि लो हाई लो मीडियम, ठीक है। ये आपका हाई आ रहा, यहाँ पे हाई आ रहा है, तो हाई के सामने होगा कॉमन, तो ये अपना कॉमन, तो कॉमन का तार निकालते हैं, ये कॉमन है, ये वाली वायर कॉमन की है, तो इसको हम पहले कॉमन पे लगा देंगे आराम से। तो ये लग गया कॉमन, ठीक है गाइस। और अब हाई के सामने लग गया कॉमन, अब निकालते हैं लो मीडियम के, लो कौन सा है, मीडियम कौन सा है। ये आपका है लो, तो लो के सामने होगा स्टार्टिंग, और ये आपका मीडियम 4.6 मीडियम है, तो मीडियम के सामने होगा रनिंग। तो पहले हम लगाते हैं स्टार्टिंग का, ये हो गया हमारा स्टार्टिंग, लो के सामने ये दोनों लो आ रहा था, तो लो के सामने लगा दिया हमने स्टार्टिंग, और मीडियम के सामने रनिंग लगा दिया। तो भाई ये कनेक्शन है, और इसके बारे में फुल डिटेल के लिए मैं आपको वीडियो बना दूंगा, उसमें आसानी से आप चेक कर पाओगे, ठीक है, अच्छी तरह से मतलब समझ जाओगे। तो इन का हो गया ऑन, इसके पंपिंग चेक करते हैं हम, ठीक है गाइस। और हमको जब इसकी चेक करने का तरीका है, कंप्रेसर का ये है, इस पर रबड़ लगा लेनी है आपको ऐसे करके, लगा लिया इसको, कर लिया बंद, और कंप्रेसर को कर देना ऑफ। देखो गाइस, ये कंप्रेसर जो है बैक मार रहा है, ये कंप्रेसर बैक मार रहा है, और इसका मतलब ये कंप्रेसर खराब है आपका, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं करेगा, कूलिंग करेगा, सारे काम करेगा, पर पूरे सिस्टम को ये हिला देगा जब बंद करेंगे, जब एसी ऑफ होगा, टेम्परेचर मेंटेन करके बाद ऑफ होता है, तो उस टाइम ये जब ये बंद होगा तो ऐसे करके बैक मारेगा ऐसे करके, तो मतलब पाइप सारे हिल जाएंगे, जॉइंट हिलेंगे, तो लीकेज बनती रहेगी। तो इस कंप्रेसर को निकालने का ये मकसद होगा। तो ये कंप्रेसर अपना खराब है, ये अपना वैक्यूम के काम आ सकता है, वैक्यूम हो गया, वैक्यूम काम आ सकता है, जैसे हम टेस्टिंग के लिए लीकेज चेक करने के लिए और वैक्यूम करने के लिए। तो आगे हम इस वाले कंप्रेसर में ये वाला चेक करते हैं कंप्रेसर। तो भाई इसमें भी स्टार्टिंग रनिंग कॉमन का कोई दिखाई नहीं दे रहा कैसे है, मतलब इसका भी चेक करना पड़ेगा। इसको हम करते हैं ऑन, तो
पुराना एसी का कंप्रेसर है इसलिए ये आपका 4.5 दे रहा है, बाकी अदर कंप्रेसर होता तो ये 3.2-3.5 ऐसे लेता। कंप्रेसर ठीक है, पंपिंग चेक कर लेते हैं इसकी। ये बिल्कुल ओके कंप्रेसर है, पंपिंग के मामले में बिल्कुल मस्त है, बैक बिल्कुल भी नहीं आ रही है, जैसे इसमें बैक मार रहा था ये बैक नहीं मार रहा इसमें, बाकी ओके है। तो ये कंप्रेसर अपना ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चेक करते हैं तीसरा कंप्रेसर, ये अपना एलजी में निकला हुआ कंप्रेसर है और क्या है जीएमसीसी का कंप्रेसर है, इसमें लिखा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो आराम से लग जाएगा, इसमें चेक करना नहीं पड़ेगा। तो अपना कॉमन ये था, तो कॉमन हमने यहाँ लगा दिया, ये कॉमन लग गया, ये लग गया एक का स्टार्टिंग में, लाल हमारा स्टार्टिंग है। और ये लग गया अपना कॉमन, तो इसको भी आप सप्लाई देकर ऑन करके चेक कर लेते हैं, करते हैं स्टार्ट। तो भाई ये कंप्रेसर ले रहा है 14 एम्पियर और धुआं भी दे रहा है, ये देखो धुआं भी दे रहा है, मतलब ये कंप्रेसर खराब है, फुगा हुआ कंप्रेसर है। चौदह एम्पियर ले रहा है तो इसका मतलब ऑन करते 14 एम्पियर ले रहा है तो खराब है, खत्म कंप्रेसर है ये। तो गाइस जलने की महक भी आ रही है और शायद इसमें ग्राउंड भी आ गया होगा। तो ये कंप्रेसर तो गाइस खत्म है, तो ये कंप्रेसर तो आपका खत्म है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो ये हमें कहीं लगाना, और आपका वो कंप्रेसर भी खत्म है, ठीक है। तीनों कंप्रेसर में आपने चेक किया, हमने चेक किया कि कौन से मतलब कैसे कंप्रेसर को चेक किया जाता है, इस वीडियो में हमने बताया है कि कैसे इस कंप्रेसर को चेक किया जाता है, टेस्टिंग करने का क्या तरीका होता है कंप्रेसर का। तो गाइस आज हमने इस वीडियो में तीन कंप्रेसर चेक किए हैं, किस तरीके से मतलब कैसे कंप्रेसर चेक किया जाता है बताया है। ये वाला कंप्रेसर इसमें पंपिंग की प्रॉब्लम थी, मतलब ये प्रेशर यहाँ से दबाने पर बैक मार रहा था, प्रेशर लीक कर रहा था। अगर ये कंप्रेसर हम एसी में लगा होगा तो ये बैक मारेगा, मतलब काम तो पूरा करेगा, कूलिंग भी प्रॉपर करेगा, पर दिक्कत ये आएगी कि जब एसी जैसे टेम्परेचर होता है मेंटेन करता है अपना, और तो आउटडोर को ऑफ कर देता है, जब ऑफ करेगा तो कंप्रेसर बंद होगा, तो बंद होगा तो गैस जो होगी ना रनिंग में रुकेगी, बैक तो कंप्रेसर बैक मारेगा, ये कंप्रेसर गैस को होल्ड नहीं कर पा रहा तो बैक मार रहा है, मतलब बैक जा रही है। तो कंप्रेसर ऐसे ऐसे हिलेगा तो उससे क्या होगा, पूरा आउटडोर हिलेगा, और आउटडोर हिलेगा तो पूरा जो अंदर जॉइंट होते हैं कॉपर्स के, जो जॉइंट हम लगाते हैं वो जॉइंट लीक हो चुके होंगे, वो लीक हो जाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे लीक होंगे। यानी कि कंप्रेस हर 3 महीने 4 महीने में हर सीजन के में गैस डलनी है, और हो सकता है कंडेंसर भी खराब हो जाए, क्योंकि जब हिलेगा पंखड़ी टूट जाए, एसी की पंखड़ी टूट जाती है, तो कंप्रेसर बैक मारने से ही इसमें नुकसान होता है। तो इस कंप्रेसर को आपको निकालना ही होगा, कस्टमर को बोलना होगा कि कंप्रेसर खत्म है, ये चल नहीं पाएगा, बोलना होगा। और ये कंप्रेसर अपना 4.5 एम्पियर ले रहा है, मतलब बिना लोड के 4.5 एम्पियर ले रहा है, तो इसका मतलब ठीक कंप्रेसर है, पुराना एसी कंप्रेसर इसलिए 4.5 एम्पियर ले रहा है। और आजकल जो नए कंप्रेसर आ रहे हैं वो 2.5-3.5 ऐसे 2.3.2 ऐसे कंप्रेसर लोड लेता है, वो लेता है, ये थोड़ा सा ज़्यादा ले रहा है। तो मतलब कंप्रेसर ओके है, बैक नहीं मार रहा, कूलिंग मस्त करेगा और मेंटेन भी ठीक रहेगा, ठीक मतलब अच्छी कूलिंग करेगा ये, मतलब कूलिंग भी बेस्ट करेगा, मतलब ये कंप्रेसर अपना ओके है। और ये वाला कंप्रेसर जो है इसमें ये कंप्रेसर जो है इसकी वाइंडिंग जल चुकी है, तो ये धुआं फेंक रहा था और एम्पे ले रहा था 14, ठीक है। इस तरह के कंप्रेसर में जो प्रॉब्लम आती है, इसमें जो कंप्रेसर प्रॉब्लम आएगी वो ये आएगी, ये हम लगाएंगे तो मतलब अभी तो ये बिना गैस, जब गैस लोड नहीं है तो ये 14 एम्पियर ले रहा है, तो अगर इसमें गैस लोड होती कंप्रेसर में तो ये प्रॉब्लम आती है। अगर एसी में लगा होता है कंप्रेसर तो इसमें ये एम्पियर लेता आपका 24 एम्पियर लेता, और 24 एम्पियर लेने के बाद ही स्टार्ट नहीं होता, मतलब ये 24 एम्पियर लेता स्टार्ट नहीं होता, इनके अंदर भी एक ओवरलोड लगा होता है जो अंदर ही ज़्यादा हीट होने के बाद उसको ट्रिप कर देता है, तो इसका कॉमन वाला टर्मिनल बंद हो जाता है। तो हाई एम्पियर जब भी लेगा कंप्रेसर तो टर्मिनल ऑफ हो जाता है,
तो ये प्रॉब्लम आती है, तो वो टर्मिनल ऑफ कर देगा कंप्रेसर को, मतलब फूकेगा नहीं। वो इसलिए लगा होता है कभी कंप्रेसर मतलब ऑफ, अगर वो नहीं होगा तो बाइंडिंग जलती रहेगी जलती रहेगी जलती रहेगी और इसमें आग लग जाएगी, तो फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं एक कंप्रेसर के। तो इसमें इसलिए उससे ओवरलोड लगा हुआ होता है, ठीक है। कभी गैस नहीं होती है, कंप्रेसर चल ही रहा है चल ही रहा है चल ही रहा है, और बहुत सी एसीयू में चलता रहता है और जिसमें सेंसर वगैरह काम नहीं करते हैं, तो उन एसीयू में कंप्रेसर चलता रहता है चलता रहता है। तो कंप्रेसर चलने के बाद अपने आप वो ओवरलोड को हीट कर दे, हीट होकर बंद हो जाता है, ताकि और फिर वो स्टार्ट होगा जब तक ठंडा नहीं होगा तब तक स्टार्ट नहीं होगा। तो भाई ये मैंने आपको इस वीडियो में समझाया है, रनिंग स्टार्टिंग कॉमन का भी बताया है, और रनिंग स्टार्टिंग कॉमन की मैं आपको एक वीडियो और बना के डाल दूंगा, रनिंग स्टार्टिंग कॉमन उसको मतलब कैसे पहचाने कौन सा तार कहाँ लगाएं, पता किसी को नहीं होता है, वो सब चेक करना पड़ता है। चेक करके मल्टीमीटर होगा आपके पास तो आप आराम से कनेक्शन कर लोगे बेस्ट तरीके से। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं, बाय बाय।